अभी परिणाम का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता है तब तक क्या कहें, लेकिन जीत की ओर अग्रसर हैं, परिणाम पक्ष में आएगा, संघर्ष की जीत होगी। सरकार को समझाना पड़ेगा कि आप लोगों की उम्मीदों को पैरों तले रौंद कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आपको सत्ता तक नहीं पहुंचने देंगे, लड़ाई होगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा अभिषेक है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में शिक्षक नेता बंसीधर ब्रिजवासी ने तो कमाल कर ही दिया। निर्दलीय प्रत्याशी होकर वंशीधर ब्रिजवासी ने ऐसा कमाल किया कि राजनीतिक दलों की नींद उड़ गई, क्योंकि प्रथम वरीयता में जितने भी राउंड में हुए सबसे आगे वंशीधर ब्रिजवासी हैं और भारी बढ़त बना दी है। करीब 10 से 11 हजार वोटों की बढ़त है उन्हें प्रथम वरीयता में, 23 हजार से अधिक वोट आए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर जनसुराज के प्रत्याशी 12 हजार के करीब वोट लाए हैं। वहीं तीसरे नंबर पर गोपी किशन और चौथे नंबर पर जेडीयू के अभिषेक झा हैं। ऐसे में बंसीधर ब्रिजवासी ने बढ़त बनाई है और बंसीधर ब्रिजवासी चुनाव जीत भी सकते हैं। आगे आधिकारिक ऐलान भी हो सकता है, लेकिन द्वितीय वरीयता की काउंटिंग चल रही है। द्वितीय वरीयता में क्या कुछ होना है वो भी अभी बाकी है। क्या खेल होना है, क्या खेल बिगड़ना है, उसका भी अभी बाकी है। लेकिन बंसीधर ब्रिजवासी जो शिक्षक नेता हैं, जो के पाठक से भिड़ गए थे, आपने देखा होगा लाइव सिटीज के माध्यम से भी कई वीडियो देखे होंगे, बंसीधर ब्रिजवासी ने शिक्षक के पाठक के कई मुद्दों को लेकर सवाल उठाए थे। के पाठक की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाया था और मोगेम्बो तक कहा था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई थी, एक्शन लिया गया था और नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। लेकिन शिक्षकों की एकजुटता और शिक्षकों की नाराजगी जो सरकार के खिलाफ थी, उसका फायदा बंसीधर ब्रिजवासी को मिला और बंसीधर ब्रिजवासी जीत की ओर है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं बंसीधर ब्रिजवासी, पहले आप वो सुनिए। अभी परिणाम का सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता है तब तक क्या कहें, लेकिन जीत की ओर अग्रसर हैं, परिणाम पक्ष में आएगा, संघर्ष की जीत होगी, उम्मीदों का मशाल जलेगा। इस तरह से पहले राउंड से आप लगातार बढ़त है, मतलब आधे से ज्यादा मतों की, सभी और जो ही प्रत्याशी थे आम जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरे, या उनमें उनके उम्मीद की किरण दिखाई नहीं पड़ी। लोगों को लगा कि बंसीधर ब्रिजवासी पर ही भरोसा किया जा सकता है और भरोसा जताया है लोगों ने, और यह केवल जीत ही नहीं है बल्कि उन लोगों की उम्मीद है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी। के पाठक और बिहार सरकार को क्या कहेंगे? अब कहना क्या है, जब लोगों ने जवाब दे दिया है बैलेट से, तो लोगों ने जवाब दे दिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ, जवाब तो दे दिया जनता ने। जीत का श्रेय सभी लोगों को है, आप पत्रकारों को भी है। जीत का श्रेय तमाम गुरुजनों को है जो लड़ाई लड़े, विपरीत परिस्थिति में मेरा साथ दिए, वित्त रहित शिक्षकों, जितने संविदा कर्मी हैं, जितने भी हमारे टोला सेवक, तालीमी मरकज, इंदिरा आवास सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, किसान सलाहकार, जितने भी लोग हैं, सारे लोग, युवा साथी, छात्र, नौजवान, शिक्षित, बेरोजगार, अधिवक्ता, सारे के सारे लोग आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनकी उम्मीद है। और यह परिणाम आता है तो फिर उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना यह चुनौतीपूर्ण है, इसलिए यह जो है केवल जीत ही नहीं है, बहुत जवाबदेही है। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है, कैसे देखते हैं उसको? 2025 विधानसभा चुनाव के पहले सरकार को समझाना पड़ेगा कि आप लोगों की उम्मीदों को पैरों तले रौंद कर आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और आपको सत्ता तक नहीं पहुंचने देंगे, लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। तो बंसीधर ब्रिजवासी को आपने सुना, बंसीधर ब्रिजवासी क्या कुछ कह रहे थे। बंसीधर ब्रिजवासी ने साफ साफ कहा, अभी बाकी है, समय बाकी है, जीत तो हम जाएंगे ही, समय भी थोड़ा लगेगा, सर्टिफिकेट भी थोड़ी देर बाद मिलेगा, सब कुछ होगा। लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा, रौंद नहीं सकते आप किसी को, ललकारा है, सरकार को एक बार फिर चेताया है। तो बंसीधर ब्रिजवासी ने चेताया है, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन तिरहुत स्नातक उपचुनाव में बड़ा खेल हो गया, तमाम राजनीतिक दल लगे हुए थे, तमाम दावे किए जा रहे थे और बोरा भी खूब खुला था, बोरा का बोरा खुला था, कई जगह बोरे भी पकड़े गए थे, लेकिन बोरा काम नहीं आया। शिक्षकों ने एकजुटता दिखाई और शिक्षकों ने कमाल कर दिया, और सरकार के लिए भी ये एक सबक होगा कि
शिक्षकों की नाराजगी को दूर करना चाहिए था, नहीं तो ऐसे नतीजे आएंगे। तो विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी उपचुनाव में इस तरह के नतीजे आ सकते हैं, क्योंकि शिक्षक नेता बंसीधर ब्रिजवासी ने भारी बढ़त बनाई है। अब उसे पार पाना आसान नहीं है। हालांकि द्वितीय वरीयता का अभी भी काउंटिंग चल रही है, लेकिन अब तो बड़ा मार्जिन हो चुका है बंसीधर ब्रिजवासी के पास। अब आगे क्या कुछ होता है वो देखना होगा। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।